गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंशु कुमार फ्रॉम बीसी डिपार्टमेंट बीएमटी कॉलेज। दिस वीडियो इज डेडिकेट बीसीए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। बेटा, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही पेपरों में आता हुआ है, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ये तीनों में से शॉर्ट नोट निकले को 101% पेपर में क्वेश्चन आएगा। आपको समझने के लिए बता दूं ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता क्या है? एक ऐसा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे जो कि फंक्शन के अंदर होगा। क्या लिखा गया है? अ वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन और द अ ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल फंक्शन। लोकल फंक्शन, ओके, सॉरी, लोकल फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ देखिए, लिखा हुआ है फंक्शन ए। एक फंक्शन ए कोई बना होगा, उसके अंदर ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, इसके अंदर मैंने इंट ए और इंट बी लिखे हुए हैं ना, तो ए बी जो है हमारे लोकल वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन ए की ओपन और क्लोज ब्लॉक के अंदर है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ग्लोबल की, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं। द वेरिएबल दैट आर डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ये कहा गया है कि अगर कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया जाए, डिफाइन आउटसाइड द एनी फंक्शन, यानी फंक्शन के बाहर, ना वो मेन में हो या किसी भी फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, वो हेडर फाइल और मेन के बीच में डिक्लेयर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि दो हेडर फाइल लगी हुई हैं, मैंने साइन बना रखा है, आप समझ गए होंगे, और मेन फंक्शन का पूरा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसके बीच में मैंने इंट ए इक्वल सिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। दोनों चीज़ों कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जो कि क्लियर करेगा। ध्यान दो, ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, पेपर में कभी भी लिखने को आ जाए तो यही प्रोग्राम आपको बना के आना है, और कोई प्रोग्राम बनाकर नहीं आना है। मैंने दो हेडर फाइल ली हुई है, एक studio.h एक konio.h ली हुई है। देखिए, मैंने क्या किया हुआ है, हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में एक इंट ए इक्वल 10 लिया हुआ है। बात समझा गई? ए कहाँ लिया हुआ है, ए लिया हुआ है हेडर फाइल और मेन के ऊपर लिया हुआ है। और देखिए, एक फंक्शन लिया हुआ है, एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है बी, जिस जो कि मैंने कहाँ लिया हुआ, मेन के अंदर लिया हुआ है, और एक लिया हुआ है सी। आप देखिए, यहाँ बी और सी जो वेरिएबल हैं वो आपके लोकल वेरिएबल कहेंगे, और ए जो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि वो क्या है, ऊपर है और ये बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूट देखिए, ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है ऊपर से, देखिए मैंने यहाँ पर रेड से एक एरो बना रखा है, ठीक है। बी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो इनसाइड द फंक्शन से आ रही है, मेन से आ रही है, इसका मतलब क्या, ये लोकल वैल्यू आ रही है, ए क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, वैल्यू है, दोनों कंप्यूट हुई, बन गए 30 किसके अंदर स्टोर हो गया, सी के अंदर। और जब हम सी की प्रिंटिंग करेंगे तो आंसर कितने निकल के आएगा, 30 निकल के आंसर आएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि B के अंदर 20 था, लेकिन ये 10 कहाँ से चला, 10 कहाँ से चला, 10 तो हमारा ग्लोबल था, कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे मेन यूज़ करता हो, इसके अलावा और भी कोई फंक्शन यूज़ करता है। ये सबसे छोटा और सरल एग्जांपल है जो आपको बनाना है, ठीक है। एक चीज़ और है बच्चे, वो है हमारा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। कहते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर बाई राइटिंग कीवर्ड्स स्टैटिक इन फ्रंट ऑफ डिक्लेरेशन। कहा गया है कि अगर हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए ले लिया या फ्लोट बी ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, उसके आगे अगर हमने स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, ये मेरा जो वेरिएबल जो मैं ए और बी या कोई भी ले रहे हैं, ये मेरा स्टैटिक बन जाएगा। ऐसा करते क्यों है, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने नज़र में आने वाली है इस प्रोग्राम में। देखिए, ये मैजिक प्रोग्राम समझी है एक प्रकार से, हो क्या रहा है। देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने इंक्लूड studio.h लिखा हुआ है, एक konio.h की हेडर फाइल लगा, एक देखिए मैंने फंक्शन बनाया हुआ है एक्स वाई जेड, समझ गए होंगे कौन सा फंक्शन है, ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन है, वाइड अंदर वाइड फाइल, यानी कि ये नॉन रिटर्न और नो पैरामीटर वाला फंक्शन है, ठीक है। मेन हमने एक मेन दिया हुआ है, उसके लिए क्रिएशन फंक्शन लगाया हुआ गेट सी एच। अभी तीन फंक्शन के बारे में कोई भी समझने की नीड नहीं है, समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अभी बताते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि वही फंक्शन को पूरा और नीचे उतार के रख लिया, जैसे मैं हम मरबा बताते हैं, आपने नोट कर लिया, और यहाँ क्या लिखा हुआ, इंट ए इक्वल 10 लिखा हुआ है,
इंट ए इक्वल 10 लिखा हुआ है इस, और देखिए स्टैटिक इंट बी इक्वल 10 लिखा हुआ है, तो ए और बी में क्या डिफरेंस होने वाला आप दिखाते हैं। मैंने एक सिंपल से प्रिंट आउट लगाया हुआ ए और एक सिंपल प्रिंट आउट लगाया हुआ बी, यानी कि क्या होंगे दोनों प्रिंट आउट निकल के आएंगे ओके, और ए को अपडेट करो बी को अपडेट करो। देखिए आउटपुट को ध्यान समझिए, कह रहा है जब फंक्शन पहली बार कॉल हुआ मेन के अंदर तो आउटपुट निकल के आएगा ए इक्वल 10 और बी इक्वल 10 आउटपुट पहला पहली लाइन, ठीक है। लेकिन जब ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ तो क्या हुआ ए इज नो चेंज बट बी इज अपडेट, बस तीसरी बार कॉल होगा थर्ड टाइम कॉल होगा तो ए इज अपडेट, ए इज नॉट अपडेट बट बी इज अनदर अपडेट, यानी कि 12, यानी कि 10, 11 और 12 वैल्यूज जो हैं वो बढ़ रही हैं। यही एक फायदा है कहा गया, समझने की बात ये है अगर हम कोई सिंपल वेरिएबल का यूज करते हैं फंक्शन में जब कॉल करेंगे मेन के अंदर तो वो अगर सिंपल है तो एक ही बार अपने आप को अपडेट करके ले जाएगा, दोबारा कॉल करने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका प्रोग्राम कोई ऐसी नीड रखता है कि वो हर बार ऊपर जाए अपने आप को अपडेट करे तो आप वहां पर स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी एक छोटा और शानदार प्रोग्राम है, इसको भी आपको याद रखना है। इंजॉय दैट, थैंक यू।